हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिवांश कुमार सिंह। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे क्लास 12th में 95% आए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने 95 मार्क्स सिक्योर किए थे अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। दोस्तों, फिजिक्स जो है एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी है तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे ऑन अकेडमी कैंपस एम्बेसडर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, डू एक्सरसाइजेस गिवन एट द बैक ऑफ एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर के पीछे एक एक्सरसाइज दी हुई होती है, वो एक्सरसाइज को आपको जरूर सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइजेस को अवॉइड करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट आपको बोर्ड में नंबर इंक्रीज करने में मदद करेगा। मैं आपको एक चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कीजिए, आंसर्स को मैच कीजिए, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, थॉरली रीड ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक चैप्टर को एकदम थॉरली कंप्लीटली रीड करना है। आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और जो उसका मेन कंटेंट है वो कम्प्लीटली पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी बुक से। आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। मैं आपको एक अपना एक एग्जांपल देता हूँ। आपने चेर्नोबिल के बारे में सुना होगा, चेर्नोबिल डिजास्टर। तो मेरे एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट इसी पे से। उसमें सवाल ये पूछा था कि चेर्नोबिल डिजास्टर का रीजन क्या था। तो अगर आपने चैप्टर को थॉरली रीड नहीं किया है तो आप वहां पे मार्क्स लूज कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, चैप्टर को एकदम थॉरली डीपली पढ़िए, समझिए, आपको बहुत मजा आएगा। टिप नंबर 3, सॉल्व प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। प्रीवियस 5 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए टाइमर के साथ। 3 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन में आप ट्राई कीजिए कि आप 70 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करते हैं। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। टिप नंबर 4, रिलेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ। कॉन्सेप्ट्स को आप जस्ट रीड मत कीजिए या मगअप मत कीजिए, उसको आप रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करके देखिए। कनेक्शन करने से आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे और उसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। फाइनल टिप, टिप नंबर 5, फाइनल टिप ये कहती है कि डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स एक न्यूमेरिकल प्लस थियरी सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स की काफी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में एक्सीलेंसी हासिल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और मैथमेटिक्स को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी अप्लाई होते हैं, और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो ये थी मेरी 5 टिप्स। इसी के साथ मेरे 5 टिप्स ख़त्म होती हैं। और जाने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे न्यू वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको एक्सक्लूसिव टिप्स और नोट्स मिलेंगे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए। और एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड शिवांश के UCI का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू।